हेलो फ्रेंड, स्वागत हमारे जीएसएम राकेश चैम पर। तो फ्रेंड, आज हमारे पास एक जियो F300 फ़ोन आया है और ये कम्प्लीटली डेड है। तो इसकी हम ट्रेसिंग करेंगे और इसका जो फॉल्ट है वो पकड़ेंगे कि कहां पर है। सबसे पहले मैं फ़ोन को ऑन करके दिखाता हूं कि ये डीसी पावर मशीन में क्या रीडिंग ले रहा है। आप ये वीडियो कीपैड फ़ोन का समझ के मत छोड़ के जाना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पावर बटन दबा रहा हूँ तो ये 45 मिली एम्पियर ले रहा है, उसके बाद जीरो हो जा रहा है। तो देख सकते हैं ये ऑटो रेटिंग लेके चला जा रहा है। अब इससे हमारे लिए पता चलता है कि इस फ़ोन में कहीं ना कहीं या तो लाइन मिसिंग है, लाइन मिसिंग हो सकती है या फिर शॉर्टिंग भी हो सकती है। लाइन मिसिंग बहुत कम होती है, बट शॉर्टिंग ज़्यादातर इन केसेस में देखने के लिए मिलता है। तो चेक करेंगे कि हम वन बाई वन कि आज शॉर्टिंग है या फिर लाइन मिसिंग है वो सब कुछ। कस्टमर का कहना यह है कि ये फ़ोन वाटर डैमेज है, पानी में गिरने के बाद ये सेट बंद हुआ है। तो वो देखेंगे कि किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आई है। तो वीडियो थोड़ा कहीं का मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है और कहीं का कट भी शायद किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ था और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है वो भी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी ट्रेसिंग करना स्टार्ट करेंगे बैटरी कनेक्टर से। तो बैटरी कनेक्टर पर हम इसकी शॉर्टिंग देखेंगे। शॉर्टिंग तो नहीं है, तो इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। एक बार रिवर्स में चेक करेंगे BSI, तो रिवर्स में BSI और पाव जो BWT की लाइन है उस पर हमारे लिए प्रॉपर रीडिंग मिल रही है। अब इसके हम चेक करेंगे पावर सेक्शन में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि कस्टमर बोल रहा है कि सेट पानी में गिरने के बाद या फिर पानी के छींटा आने के बाद ये बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कैपेसिटर है वो शॉर्ट है, जो कि पावर IC से CPU की लाइन पर इसकी वोल्टेज लाइन होती है। तो ये यहाँ पर शॉर्ट होता है, तो ये शॉर्ट नहीं होता है बट ये शॉर्ट दिखा रहा है। हाँ, कभी कभार कुछ फ़ोनों में इसकी जो रीडिंग है वो 30, 50, 100 तक आती है, बट उस कंडीशन में भी सेट ऑन होता है। तो ये फ़ोन फुली शॉर्ट दिखा रहा है इस कैपेसिटर को। तो अब ये प्रॉब्लम हमारी इसी कैपेसिटर से भी हो सकती है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, वाटर डैमेज है तो इसकी जो हमारी और कैपेसिटर लगे हैं जैसे कि EMMC के बराबर में, पावर IC के बराबर में, CPU के बराबर में, ये प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है। शॉर्टिंग की भी हो सकती है और CPU ड्राइव से भी हो सकती है, लाइन मिसिंग से भी हो सकती है, क्योंकि जो रीडिंग ले रहा है DC पावर सप्लाई मशीन में वो प्रॉपर ले रहा है, उसके बाद ये बैक जा रहा है। तो बैक जाने में या तो लाइन मिसिंग होती है या फिर सेकेंडरी लाइन शॉर्ट होती है या फिर और भी कमी होती है। तो देखते हैं अगर कभी कोई और कंडीशन में फ़ोन आता है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले इसका जो शील्ड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, देख लेते हैं कहीं कैपेसिटर से टच तो नहीं हो रहा है। तो एक बार इसको मैंने ऊपर किया है, उसके बाद देखते हैं क्या शॉर्टिंग खत्म हुई है, नहीं हुई है शॉर्टिंग। तो अभी भी शॉर्टिंग इस फ़ोन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्मैटिक डायग्राम तो हमारे पास नहीं है कि इस लाइन पर कितने कैपेसिटर या कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं और ये लाइन कहाँ कहाँ तक जाती है। अगर इसका स्मैटिक डायग्राम होता तो बहुत आसानी हो जाती, बट ये क्लियर है कि ये लाइन है वो हमारी पावर IC से निकलती है और CPU को जाती है, ये क्लियर है। बट ये कहाँ कहाँ कर जाती है इसका हमारे लिए कोई अंदाज़ा नहीं है, अब ये तो ट्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी ट्रेसिंग करेंगे और सबसे पहले हम ट्रेसिंग करेंगे इसी कैपेसिटर को निकाल कर, क्योंकि ये फ़ोन वाटर डैमेज है, कहीं से भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों कैपेसिटर को एक ही लाइन पर है, तीनों कैपेसिटर को हम निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये प्रॉब्लम हटती है या फिर नहीं हटती है, जो शॉर्टिंग है वो हटती है या नहीं होती है। उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, शॉर्टिंग नहीं हटती है, तो हम इसका CPU और पावर IC निकालेंगे। अब ये शॉर्टिंग हम डायरेक्ट वोल्टेज देकर भी, हाई एम्पियर करंट देकर भी इसे फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये गलती होगी। गलती ये होगी कि ये कस्टमर का कहना ये है कि वाटर डैमेज है, तो वाटर डैमेज में अगर CPU या पावर IC के अंदर पानी होगा और ये उस वजह से शॉर्टिंग होगा, तो हम जैसे ही करंट देंगे, ओवर करंट देंगे, तो वो IC डैमेज होने का खतरा रहेगा। तो इसके लिए IC को निकालना भी पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी जो कैपेसिटर निकाले हैं वो देख लेते हैं कि यार शॉर्टिंग खत्म हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पर हाँ, कोई भी शॉर्टिंग खत्म नहीं हुई, दोनों तरफ यहाँ पर अभी भी शॉर्टिंग यहाँ पर शो कर रहा है, एक ग्राउंड की लाइन है, एक हमारी वोल्टेज प्लस की लाइन है, तो अभी भी ये शॉर्ट दिखा रहा है। वैसे तो हम यहाँ पर
कम वोल्टेज और ज़्यादा एम्पियर्स देकर भी इसे फाइंड कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ तक लगता है कि ये गलत रहेगा। क्यों गलत रहेगा कि इसकी मैंने पहले ही बोला है कि सीपीयू या फिर पावर आईसी के अंदर पानी गया होगा तो हम वोल्टेज देंगे, इसमें करंट देंगे तो आईसी डैमेज हो सकती है। कभी केसेस में देखा है कि आईसी डैमेज हो जाती है, आईसी के जो पैड हैं वो जल जाते हैं, कभी का मदरबोर्ड के पैड जल जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे लिए इसकी जो एमएमसी है और पावर आईसी है उसको निकालना पड़ेगा। इसे तो हम निकाल के दोबारा भी लगा सकते हैं। अगर हमारी जो सीपीयू का कोई पैड जल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को मैं यही सही बोलूँगा कि उसकी आईसी को निकाला जाए, उसके बाद शॉर्टिंग को फाइंड किया जाए। और बहुत सारे इस लाइन में नए हैं, वो सीपीयू पर काम करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसका रिवॉल्विंग करना, लगाना थोड़ा हार्ड काम हो जाता है, क्योंकि ये बड़ी आईसी होती है और इसमें जो बॉल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए कुछ लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। बट सब तरह का काम आता है, हमारे लिए करना चाहिए। अगर वो डेड है तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अगर डेड नहीं है, हैंग ऑन लोगों या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि इसका सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, तो कस्टमर को बोल दीजिएगा भाई 1% डेड रिस्क रहेगा। अगर कोई गारंटी ले रहा है तो कहीं पर भी करा ले, मेरे पास डेड रिस्क रहेगा क्योंकि इसका एक किस्म से ऑपरेशन करना पड़ेगा, आईसीयू को निकाल के और फिर से लगाना पड़ेगा, रिवॉल्विंग करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में कभी कोई सेट डेड होने की भी चांस रहती है। तो इस चीज़ को बोल दीजिए और कस्टमर से 1% बोला करें तो कस्टमर भी तैयार हो जाएगा। तो इसकी हमने सीपीयू निकाल दिया है, पावर आईसी को भी निकाल दिया है, वीडियो को कहीं ना कहीं मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। उसके बाद इसे हम क्लीन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो यहाँ पर निकली है या फिर नहीं निकली है, क्योंकि इसको क्लीन करना ज़रूरी है, कहीं आपस में कोई पिन है वो यहाँ पर शॉर्ट ना हो। और यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर आईसी के नीचे कोई भी पानी नहीं गया। हम चाहते तो पहले भी निकाल सकते थे, बट हमारे लिए कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि आईसी के नीचे पानी गया है या नहीं गया। अब हमारे लिए पता चल गया इसके अंदर पानी नहीं गया है, तो मुझे लगता है कि इसमें जो शॉर्टिंग है वो पावर आईसी या फिर सीपीयू से नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी गया होता तो उसकी वजह से ये शॉर्टिंग हो सकता था। बट अब यहाँ पर कोई ना कोई इस लाइन में और भी कैपेसिटर या फिर डायोड या फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो शॉर्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे, सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरह से। क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है इस लाइन में। अगर हम क्लीन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाती है। अगर हम क्लीनिंग पर थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, वो प्रॉपर और ना हो या फिर हमारे लिए फिर से रिवॉल्व करके आईसी को लगाना पड़े, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहेंगे कि ये जियो का फ़ोन है, कीपैड फ़ोन है, इस पर वीडियो क्या देखा जाए। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इस तरीके की प्रॉब्लम हमारी पावर जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनमें भी आती है, क्योंकि ये एक किस्म से एंड्रॉयड ही फ़ोन है, सारी जो आईसी है वो एंड्रॉयड की हैं इसमें। तो ये ना समझे कि ये कीपैड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है। तो अब यहाँ पर शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि हमारी शॉर्टिंग खत्म हुई है। ये ग्राउंड की लाइन है और ये हमारी वोल्टेज लाइन है प्लस की, तो देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर शॉर्टिंग है, अभी भी इस पर शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमारी सीपीयू पावर आईसी से नहीं थी, अभी भी इसमें शॉर्टिंग है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा लास्ट काम रह गया इस शॉर्टिंग फाइंड करना। अब इसमें हम कितना भी करंट दे सकते हैं, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जो सीपीयू है और पावर आईसी है वहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है। तो इसे हम शील्ड को कट कर लेते हैं और यहाँ पर रोजिन अप्लाई करेंगे, हम रोजिन अप्लाई करेंगे। अब हमारे लिए ये तो कन्फर्म नहीं है कि ये लाइन कहाँ कहाँ पर जा रही है और कितने इस लाइन में कैपेसिटर लगी हुई हैं या फिर कुछ भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो हम अंदाजे से 1 by 1 चेक करेंगे रोजिन अप्लाई करके कि कहाँ पर हीट हो रहा है या फिर जो रोजिन है वो कहाँ पर मेल्ट होता है। तो ये लाइन वैसे पावर आईसी से निकलती है, सीपीयू को जाती है, और ये लाइन सारे एंड्रॉयड फ़ोनों में होती हैं जो कि एक लाइन पर ही बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, जो कि आईसी की दूसरी साइड पर जो सीपीयू लगा हुआ होता है उसकी ऊपर की साइड पर लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा एक ही लाइन में बहुत सारे बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, उन पर जो रीडिंग है, किसी फ़ोनों पर बीप भी आती है बट सेट ऑन होता है, तो वही कंडीशन इसमें है, बट ये फुल शॉर्ट है और शॉर्टिंग भी नहीं दिखाता है और कुछ सेटर में शॉर्टिंग भी दिखाता है। तो वो फ़ोन ऑन होते हैं बट ये ऑन नहीं हो रहा है,
तो यहाँ पर हम रोज़ इनको अप्लाई कर रहे हैं और अंदाजे से ही अप्लाई कर रहे हैं कि ये लाइन कहाँ कहाँ पर जा रही है। बाकी का एमएमसी के पास तो नहीं जा रहा होगा, तब भी हम इस जगह पर लगा देते हैं क्योंकि इसके बराबर में जो कैप लगे हुए हैं उन पर मेल्ट हो जाए या फिर यहाँ पर जा रही हो। शायद मुझे लगता है कि इस लाइन यहाँ पर तो कोई लाइन नहीं जा रही होगी ये वाली, क्योंकि ये सीपीयू को जाती है, ओनली सीपीयू को जाती है। बाकी का मेरे लिए ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर इसका स्मैटिक होता तो पता चल जाता कि ये लाइन कहाँ कहाँ पर जा रही है। तो हमने इसमें रोजी ने वो अप्लाई कर दिया है और अब चेक करेंगे इसकी शॉर्टिंग चेक करने के लिए यहाँ पर हम 3 वोल्ट 5 एम्पियर सेट करेंगे अपनी डीसी पावर सप्लाई मशीन में। और यहाँ पर हम चेक करेंगे जो ग्राउंड की लाइन है वो ग्राउंड पर हम टच कर देंगे, और जो प्लस वाली लाइन है उसको हम जो वोल्टेज सीपीयू को जा रही है वो लाइन उस पर हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर और किसी लाइन पर हम नहीं देंगे, जो हमारी शॉर्ट है उसी लाइन पर हम वोल्टेज यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर मैं सही पोजीशन कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं ये शॉर्टिंग हमारी कहाँ पर है, उसे फाइंड करेंगे। बट क्लियर यही है कि यही लाइन शॉर्ट है, उसकी वजह से ही शायद ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी रोजिन मेल्ट नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है फ़ोन। तो यहाँ पर कोई भी रोजिन मेल्ट नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा हाथ को या फिर हथेली को या फिर कुछ भी चीज़ को हम रख कर चेक करेंगे कि कहीं कोई हीट तो नहीं हो रहा है दूसरी और जगह पर, नहीं तो पूरे मदरबोर्ड पर हमारे लिए रोजिन अप्लाई करना पड़ सकता है। तो हम उंगली रखेंगे और सेंस करेंगे इसकी हीटिंग को, क्योंकि ये फुल शॉर्ट है तो हीट तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पर मैं हम फिर से देंगे वोल्टेज और देखेंगे, हाँ ये पीछे की तरफ यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर ये हीट हुआ है। तो यहाँ पर हम एक बार रोजिन को अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ पर है ये शॉर्टिंग, और तब भी नहीं मिलती है तो हम इसकी शॉर्टिंग को तो फाइंड करेंगे टाइम कितना भी लग जाए, क्योंकि हमने इसका सीपीयू एमएमसी निकाला है, सीपीयू और पावर आईसी निकाला है, तो काम तो अब करेंगे, वापस थोड़ी करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर रोजिन अप्लाई कर देते हैं, हमारे लिए लगा है कि यहाँ पर हीट है या फिर इसके बराबर में ही हो सकती है, फिर तो हम फिर से लगा देंगे अगर और जगह पर हुई। तो पहले यहीं पर चेक कर लेते हैं कि हमारी जो कैपेसिटर है यहाँ पर वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है। इसी तरीका से आपने एंड्रॉयड फ़ोनों में देखा होगा बड़े बड़े कैपेसिटर बहुत सारे लगे होते हैं एक लाइन में, उसी तरीका से इसके भी ऊपर कैपेसिटर लगे हुए, और ये लाइन हमारी वहीं से आती है जो हमारी सीपीयू को जाती है, जो अभी कैपेसिटर निकाले थे वो शॉर्ट थी वही। तो देखते हैं अब यहाँ पर कोई चीज मेल्ट होता है, कोई कंपोनेंट मेल्ट होता है या नहीं होता है यहाँ पर रोजिन। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज दिया और देखते हैं यहाँ पर कुछ मेल्ट हुआ है, नहीं हुआ। तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनना है कि यहाँ पर भी ये मेल्ट नहीं हो पा रहा। तो हम एक बार उंगली रखेंगे और देखेंगे कि यह मेल्ट होता है, यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ पर मेल्ट, यहाँ पर हुआ धुआं निकले यहाँ पर। तो ये शॉर्टिंग अब वो यहाँ पर है, और यहाँ पर हम रोजिन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है, हम उसी कैपेसिटर को निकालेंगे। यहाँ पर सारे कैपेसिटर नहीं तोड़ेंगे, कहीं इसकी वजह से सेट भी ऑन ना हो। तो यहाँ पर हम जो एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा उसको ही हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से वोल्टेज देते हैं और देखिए इस बार क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर धुआं निकलना स्टार्ट हो गया, हाँ देख सकते हैं एक कैपेसिटर है वो, यहाँ पर तीन कैपेसिटर हैं जो कि बीच में एक कैपेसिटर है वो शॉर्ट है, और ये शायद मुझे लगता है कि वाटर डैमेज होने के कारण ही हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम निकाल देंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो शॉर्टिंग है वो ख़त्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर ख़त्म हो जाता है तो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और हम सीपीयू को और पावर आईसी को यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हम शॉर्टिंग चेक करते हैं मल्टीमीटर से, हमारी जो लाइन थी वो शॉर्ट थी, अब इस बार शॉर्टिंग है या फिर नहीं है। तो ये ग्राउंड लाइन है और ये हमारी वोल्टेज लाइन है, देख सकते हैं यहाँ पर अब कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो वही एक कैपेसिटर था जो कि शॉर्ट हो गया था, उसकी वजह से फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा था। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, अब यहाँ पर हम सीपीयू को और पावर आईसी को यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले मदरबोर्ड को क्लीन कर लेते हैं जो हमने रोजिन लगाया है, उसके बाद हम आईसी को रिवॉल्व करके यहाँ पर लगा देंगे और देखेंगे कि हमारी जो फ़ोन में प्रॉब्लम थी डेड कंडीशन में फ़ोन था वो ऑन होगा या फिर नहीं होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, इसको मैंने कहीं ना कहीं फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ था इसको फाइल ढूंढने में और काम करने में। तो अब यहाँ पर आईसी रिवॉल्विंग कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आईसी लगा देंगे।
तो फ्रेंड यहाँ पर हमने आईसी कोड लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पर जो हमने कैपेसिटर निकाले थे वो लगा देंगे। यहाँ पर हम बड़ा वाला एक ही लगाएंगे, बाकी का पीछे की तरफ बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं, तो ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। आप चाहें तो ये तीन लगा लेते, आप पूरे तीन के तीन लगा सकते, नहीं तो मैं बड़ा वाला ओनली एक ही लगा देता हूँ। उसके बाद देखते हैं फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी डेड कंडीशन में था वो यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व हो पाती है या नहीं हो पाती है। और यहाँ पर हमने EMMC और CPU को दोनों को अच्छी तरह से इसे लगा दिया है, और अब फ़ोन को ऑन करने की बारी है। तो यहाँ पर फ़ोन मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पर इसको निकालेंगे होल्डर से और उसके बाद यहाँ पर ऑन करके देखेंगे। तो हमारी जो फ़ोन है वो वही फ़ोन है। एक बार हम यहाँ पर शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, पहले शॉर्टिंग दिखा रहा था, अब यहाँ पर शॉर्टिंग तो नहीं है।
शॉर्टिंग होगा तो ये फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टिंग तो पहले नहीं रही थी, तो अब यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं रहेगा क्योंकि उसका जो कैपेसिटर शॉर्ट था वो निकल गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 400 प्लस यहाँ पर रेटिंग आ चुकी है और इतनी रेटिंग आनी चाहिए। बाकी का कुछ फ़ोनों में शॉर्ट भी आता है, बीप आता है, 50 की रेटिंग आती है तब भी वो फ़ोन ऑन होता है। तो इस पर मैं और वीडियो लेकर आऊँगा किसी दिन। तो इस फ़ोन को हम ऑन करके देख लेते हैं और देखेंगे कि हमारी जो डेड कंडीशन में फ़ोन था ये वो ऑन कंडीशन में आया नहीं आया। तो यहाँ पर पावर की प्रेस किया, हाँ देख सकते हैं ऑन हो गया। हाँ यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई और मुझे लगता है कि सारी मेहनत है वो बेकार गई, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। एक घंटे मेहनत किया इस फ़ोन में ऑन करने में और वो भी यहाँ पर डिस्प्ले ख़राब निकल आई। डिस्प्ले तो मेरे लिए पहले ही लग रहा था ये, बट कस्टमर बोल रहा था कि ये फ़ोन वाटर डैमेज है तो पानी में गिर के, मैंने सोचा कि पानी में भी आ जाता है ये काला काला धब्बा, बट सेट डेड था तो हम नहीं पहचान पाए। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि ये फ़ोन शायद रिटर्न भी करना पड़ सकता है बगैर पैसे के। बाकी का अगर बगैर पैसे के तो वापस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक घंटे हमने काफ़ी ज़्यादा माथा 25 की है इसमें। तो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, अगर कस्टमर पैसे देता है अच्छी बात, नहीं तो आगे का आगे देखा जाएगा। बाकी का हमारी जो फ़ोन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मुझे लगता है कि मेहनत ज़्यादा लगी है और सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि इस कस्टमर पा जो फ़ोन है वो डिस्प्ले ख़राब निकल आई है। तो प्लीज़ करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।